जब से पीएम मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया है, तब ही से कमलनाथ टाइप कई कांग्रेसी राम मंदिर का श्रेय राजीव गांधी को देने के लिए मचल उठे। लेकिन राजीव गांधी के पीएमओ में तैनात जम्मू कश्मीर कैडर के पूर्व आईएएस वजाहत हबीबुल्लाह ने अपनी नई किताब माय ईयर्स विद राजीव गांधी ट्रिम्फ एंड ट्रेजेडी में राजीव गांधी का जिक्र करते हुए ये भी लिखा है कि विवादित परिसर में ताला खुल रहा है। ये बात राजीव गांधी को तब पता चली जब आदेश पारित हो गया। किताब के मद्देनजर दिलचस्प बात यह है कि विवादित परिसर में ऐसा कुछ होने वाला है, इसके बारे में किसी ने भी न तो राजीव गांधी से कंसल्ट किया और न ही किसी ने ऐसा कुछ होने की सूचना राजीव गांधी को दी। बात सीधी और साफ है कि वर्तमान परिदृश्य में जब राम मंदिर निर्माण का सारा क्रेडिट पीएम मोदी को दिया जा रहा है और शायद ये किताब वजाहत हबीबुल्लाह ने राजीव गांधी की इमेज बिल्डिंग के लिए लिखी हो, मगर इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सवालों के घेरे में ला रही हैं। खास तौर पर ऐसे समय में जब कांग्रेस का एक धड़ा ये प्रचारित करने में लगा हुआ है कि राजीव गांधी बाबरी मस्जिद का ताला न खुलवाते तो आज राम मंदिर नहीं बन रहा होता। पूर्व आईएएस वजाहत हबीबुल्लाह द्वारा लिखी गई किताब में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जैसी छवि को दर्शाया गया है, इसे लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अगर बात सोशल मीडिया की हो तो एक वर्ग वो भी है जो इन तमाम जानकारियों के बाद यही कह रहा है कि इस किताब के जरिए हबीबुल्लाह ने राजीव गांधी को अत्यधिक भोला दर्शाकर उनके प्रति अपनी लॉयलिटी सिद्ध करने की कोशिश की है। गौरतलब है कि 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज KM पांडे ने महज एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 1986 को दाखिल की गई एक अपील पर त्वरित सुनवाई करते हुए करीब 37 साल से बंद पड़ी बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया था। तब उस वक्त विपक्ष ने यही आरोप लगाए थे कि ये सब राजीव गांधी के इशारों पर हुआ और इसका उद्देश्य हिंदू वोटर्स को साधना है, जो उस वक्त शाह बानो मामले को लेकर राजीव गांधी सरकार की तीखी आलोचना कर रहे थे और उन पर मुस्लिम वोटों के तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे थे। हबीबुल्लाह ने अपनी किताब में इस बिंदु को प्रमुखता से उठाया है और लिखा कि ताला खोलने का फैसला मुस्लिम तुष्टिकरण वाली बात को बराबर करने के लिए नहीं किया गया था, ये बस एक संयोग था। बात अगर इस किताब की हो तो इस किताब का बेस हबीबुल्लाह और राजीव गांधी के बीच का वो संवाद है जो 1986 में हुआ था। दोनों ही लोग विमान से गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे थे। कहा जा सकता है कांग्रेस को खुद आके आकर इस किताब को कैश कर लेना चाहिए। क्या पता वो मुस्लिम मतदाता जो उससे नाराज चल रहे हैं छिटक कर दूर हो गए, वो वापस उसके पाले में आ जाएं। बाकी जिस तरह लेखक ने राजीव गांधी को हर प्रमुख घटना से अनजान बताया, इसका कितना फायदा बीजेपी उठाती है इसका भी फैसला आने वाले वक्त की गर्त में छिपा है। सभी सवालों के जवाबों के लिए हमें केवल और केवल इंतजार करना है।